तो दोस्तों अभी टाइम क्या हुआ है? 1:46। तो टाइम हुआ है रात के 1:46 बराबर है। और हमारी जो मैडम है वो हमारी मैडम को कुल्फ़ी खाने की इच्छा हुई है, कुल्फ़ी हिंदी में। तो कुल्फ़ी खानी है मैडम को। और अभी ऑब्वियसली लॉकडाउन है, कहीं जा तो नहीं सकते। और समर में हम जब अहमदाबाद में थे तो मतलब इतना बर्फ़ खाते थे, इतना कुल्फ़ी खाते थे। अशरफी की कुल्फ़ी तो मतलब लाइक माशाल्लाह एकदम ज़बरदस्त रहती थी। तो अभी क्या है कि नमू को खानी कुल्फ़ी, तो मैंने बोला कि अपने घर पे ही ट्राई करते हैं, घर पे बनाते हैं मैंगो कुल्फ़ी। और क्या बोलते हैं नमू? बनाते, ट्राई करते, देखते कैसी बनती है। ठीक है, तो अभी कुल्फ़ी बनाने के लिए हमने एक बर्तन ले लिया है जिसके अंदर हम अराउंड 1 लीटर और उससे थोड़ा ज़्यादा जो दूध है उसको हम गर्म करेंगे। जैसे कढ़ाई में वो कढ़ाई दूध होता है उसके तरीके से पूरा जो दूध है उसको हम गर्म करेंगे और उसके अंदर हम एक कस्टर्ड बनाएंगे। कस्टर्ड हम बनाएंगे थोड़ा दूध 100 ग्राम अलग से लेके और अराउंड 50-60 ग्राम ये जो चावल का आटा है वो हम लेंगे और हम कस्टर्ड बनाएंगे। और फिर उसके बाद उस कस्टर्ड को दूध जैसे ही गर्म होता है तो उसके अंदर डालेंगे। तो चलो अभी शुरू करते हैं जल्दी से। तो 100 ml के दूध में अभी हम डालेंगे ये जो चावल का पाउडर है उसको डालेंगे, 2 फुल। इसको अभी हम बाद में अगर हमें ज़रूरत पड़े तो वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सो अभी हमने इसके अंदर मतलब ये काइंड ऑफ फिरनी हमने बना दी है, मतलब गाढ़ा रबड़ी जैसा दूध जो है वो हमने तैयार कर दिया है, बराबर है। अभी हम जो है इसके अंदर शुगर हमने डाली और थोड़ी इलायची डाली है, केसर डाला है। तो अभी थोड़ा रंग जो है वो दूध का निखरेगा। देखोगे तो ये जो दूध है वो दूध का भी गाढ़ापन आ गया है, रबड़ी जैसा हो गया। अब इसको और हम देखा, ये थोड़ा जो जब गाढ़ा थोड़ा और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा फिर हम इसको निकाल देंगे। ये जो मैंगो का पल्प है वो बना दिया, यहाँ पर रबड़ी जैसे जो दूध दूध है वो तैयार हो चुका है। और अभी बस अभी हम फिरनी बनाएंगे। हमने ये जो रबड़ी जो वाला जो दूध है वो तैयार कर दिया। अभी उसके बाद अभी हम यहाँ पे ये जो आम है, क्योंकि आम अगर हम डायरेक्टली डाल देंगे तो आम के अंदर जो खटाश होती है उसकी वजह से जो दूध है वो फट सकता है। तो उसकी वजह से हमने क्या किया कि ये जो आम है उसके पल्प को हम थोड़ा गरम कर देंगे, बराबर है। और अभी उसको थोड़ा गरम करके एकदम जैसे लिक्विड जैसे बन जाएगा ना तुरंत ही, फिर हम उसको रबड़ी के अंदर डालेंगे। तो ये अभी जो आम है वो अभी हमने गरम कर दिया है, उसको एकदम लिक्विड टाइप जो है वो हमने उसको बना दिया है। ओके, अभी हम उसको डालेंगे हमारी जो रबड़ी है उसके अंदर। अभी हम ये जो रबड़ी है उसके अंदर हम डाल देंगे ये जो हमने जो बनाया है। ये डालने के बाद अभी थोड़ा हम इसको फिरनी करेंगे। देखो एकदम ज़बरदस्त वाली जो कुल्फी है वो तैयार होने वाली है गाइस, देखो। और अभी जो मलाई का काम है अभी वो आने वाला है। अभी ये जो मलाई है वो जाएगी इसके अंदर, तो जो मलाई का जो स्वाद है वो थोड़ा और एडअप हो जाएगा इसके अंदर। अभी इसको हम थोड़ा एकदम अच्छी तरीके से इसको
ऐसे जो है वो नहीं रहना चाहिए, तो हम इसको और अच्छी तरीके से घुमा लेंगे। अभी जो अरोमा है वो हमें फील होगा। अभी हम ऐसे ग्लास लेने वाले और इस ग्लास के अंदर हम डाल देंगे ये पूरा कस्टर्ड, इसको हम कस्टर्ड बोल सकते हैं, उसको कस्टर्ड को डाल देंगे और फिर रेफ्रिजरेट करने के लिए रख देंगे, फिर जब सो के उठेंगे तो कुल्फी तैयार होगी। तो फॉइल पेपर है उसको हम इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे। हमने उसको लगा दिया है, फॉइल पेपर लगा दिया है। अभी हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो चावल का जो प्लास्टिक का जो डब्बा होता है उसके अंदर हम कर सकते हैं, और इसके अंदर इतना बड़ा डब्बा रहेगा तो मेरे हिसाब से उसको डायरेक्टली रखेंगे फ्रीजर के अंदर। यहाँ ऊपर रखना है कि नीचे? ऊपर रखेंगे और उसको फिर फ्रीज होने देंगे। तो अगर हम ऐसा करेंगे फिर हमारा जो कुल्फी है वो एकदम तैयार हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे अभी हमने जो चारों की चारों जो कुल्फी है वो हमने बना दी। ये पहली बार ट्राई करें, पता नहीं अभी कैसे बनेगी कैसे नहीं, पर चारों की चारों कुल्फी जो है वो रखती है ऑन नॉर्मल टेम्परेचर पे करने के लिए। अभी कल सुबह में उठकर हम देखेंगे कि भाई कैसी बनती है। सो दोस्तों दिल थाम के बैठिए, अभी आपके सामने आ रही है मैंगो कुल्फी, फाइनली रेडी हो चुकी है और नमो लेकर आएगी। ये मैंगो कुल्फी आप देख रहे होगे बहुत ही प्यारी दिख रही है, मतलब कि हमने टोटल तीन कुल्फी बनाई और तीनों कुल्फी आप देख रहे हो, और उसके सामने मैंगो का जो गार्निशिंग है वो किया हुआ है, लाइक आप देख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले नमू टेस्ट करेगी और फिर बताएगी कि ये जो मैंगो कुल्फी है कैसी है। ओके, दोनों लोग अभी ये कैसी है नमू? ठंडी बहुत ठंडी है। ओके, बहुत यम्मी है, एकदम मस्त वाली है। टेस्ट कैसा है? अमेजिंग, एकदम मस्त, पूरा रबड़ी का टेस्ट आ रहा है और एकदम मस्त मैंगो भी फ्लेवर आ गया है और केसर का भी लास्ट लास्ट में फ्लेवर आ रहा है। ओके, हाँ हमने केसर भी डाला था, केसर का भी फ्लेवर आ रहा है, आप देख रहे हो कि ये कितना प्यारा लग रहा है यार। चलो ये आप टेक्सचर देखो, आप टेक्सचर कितना प्यारा है कुल्फी का। ओके, अभी मैं टेस्ट करूँगा। ये हमारे राडो प्रोटो का बहुत इंतजार है मीशो से पहले खाने का। अमेजिंग, एकदम मस्त है, और अच्छी बात क्या बताए, मुंह में डाल के पिघल जाती है, मतलब लाइक इतनी प्यारी। और दोस्तों आप देखो, नो आर्टिफिशियल शुगर, नथिंग प्रॉब्लमेटिक का जो इंग्रेडिएंट्स है उसके अंदर डाले हुए हैं, घर का बनाया हुआ कस्टर्ड और घर की बनाई हुई कुल्फी। स्पेशली अगर ये कुल्फी है ना तो उसको आप ये मैंगो के साथ खाओ। अमेन, मैंगो की जो मिठास है और ये जो दूध की जो मलाई है उसका जो कॉम्बिनेशन जो क्रिएट हुआ है ना, दैट इज लाइक मोर ऑफन, खास में ये रबड़ी। Yes. आप भी बनाइए ये कुल्फी और मुझे बताइए कि
आपके घर में कुल्फी कैसी बनती है। अगर आपको मैंगो नहीं पसंद है आप वेनिला टाइप भी बना सकते हो, बट समर चल रहा है मैंगो बनाओ। मजेदार तरीके से खाओ यार, मेरा मुझे लग रहा है सब कुछ खा लो पर सी टुकटुक का फिश सी राडो का फिश।